चलिए आज हम छोटी मच्छी फ्राई करेंगे। छोटी मच्छी किस तरह फ्राई करना है दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मच्छी ले ली हूँ। मच्छी को मैं अच्छे से धुल के साफ़ कर ली हूँ। मच्छी फ्राई करने के लिए मसाला निकालेंगे। यहाँ पर मैं 3 चम्मच धनिया पाउडर ले ली हूँ, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, फटे हुए दही डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच। दही के जगह पे दोस्तों आप नींबू भी यूज कर सकते हैं, 1 नींबू का रस निचोड़ के डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा रहता है। मसाला सूखा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। टोटल दोस्तों 4 चम्मच पानी लग जाता है। तो ये देखिए मसाले का पेस्ट हमें इस तरह चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ये परफेक्ट है पेस्ट। मच्छी रख लेते हैं। मच्छी में मसाला हम अच्छे से लगा लेते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मैं सभी मच्छी में मसाला अच्छे से लगा ली हूँ। तो चलिए अब हम मच्छी फ्राई भी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल मैं पहले से रख दी थी, अच्छे से गर्म हो गया है। मसाला लगा हुआ मच्छी हम एक एक करके गर्म तेल में डाल देते हैं। मच्छी को इतना डालना है ताकि अच्छे से आराम से पक जाए तेल में। तो ये देखिए सभी मच्छी को मैं डाल दी हूँ, एक तरफ पकने देते हैं। तो ये देखिए एक तरफ अच्छे से पक गया है, फ्राई हो गया है। इसे हम उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मच्छी अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों तरफ। लास्ट में हम 2 काढ़ी कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता का पत्ता अच्छे से चटक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। कड़ी पत्ता डालने के बाद में ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे तुरंत ही निकाल लेना है। तो लीजिए सभी मच्छी को मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। यहाँ पे प्याज का सलाद है, नींबू है, हरे मिर्च है। खाने के टाइम पे नींबू निचोड़ के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, साथ में हरे मिर्च है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।